हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा एक व्यूअर ने पूछा था, स्पीड पैटर्न का कैसे कैलकुलेशन करते, एवरेज स्पीड कैसे निकालते, उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। एक बार देखिए, रिम फ्रेम एवरेज स्पीड, जैसे अपन LR6 है, LR9 है, जैसे अपन डिस्प्ले में एवरेज स्पीड भर देते हैं, वो अपना आप एवरेज दिखाता है, और वो एवरेज को हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। तो उसमें क्या होता है, उसमें अपन को रिक्वायरमेंट क्या है, काउंट क्या है मालूम पड़ जाए, और रिम फ्रेम का लिफ्ट मालूम पड़ जाए, तो अपन स्पीड पैटर्न भर सकते हैं, उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे 18 पॉलिएस्टर का माल अपन चलाने जा रहे हैं, LR9 का मशीन है, और कॉप कंटेंट समझ लो 64 ग्राम से, मतलब एक बॉबिन का नेट वेट 64 ग्राम है। और देखो ग्राम्स पर मीटर ऑफ यार्न, धागे का एक बॉबिन में कितना धागा रहता है, तो पहले ग्राम पर मीटर निकाल लेंगे, एक मीटर धागा समझ लो इतना हुआ, उसमें कितना ग्राम आता है, तो 0.59 में 18 डिवाइड करने का आया 0.032777777, ऐसे ही लगा रहेगा। मतलब ये अपना जो बेसिक फार्मूला वाला टॉपिक है उसमें जाइएगा, वो मालूम पड़ेगा ग्राम पर मीटर निकालने का क्या फार्मूला है, यही वाला फार्मूला निकलेगा 0.59 का। उसके बाद लेंथ रिक्वायर्ड फॉर ए फुल कप इन मीटर्स, मतलब 64 ग्राम का अगर बॉबिन हुआ उसका कितना लेंथ रहेगा, पूरा धागा कितना लेंथ रहेगा बॉबिन का अंदर, तो कैसे होगा 64 डिवाइड बाई 0.032777, ऐसे ही लगा रहेगा। ये आ जाएगा आपके 1952 मीटर आ गया, तो इसको राउंड फिगर अपन कर लिए तो ये हो गया 2000 मीटर। मतलब राउंड फिगर इसीलिए करते हैं, समझ लो 1952 में 64 ग्राम हो गया, समझ लो थोड़ा ज़्यादा कंटेंट आ गया, 65 ग्राम आ गया या 68 ग्राम आ गया, तो वो 1952 अगर भरेंगे और आगे का डॉप आने वाला है, वो आगे और भरना था तो हल्का डॉप गिर जाएगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो डॉप भरेगा अपना गिर जाएगा। उसके बाद देखिए स्पीड पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, जैसे अपन लेंथ निकाल दिए 2000, उसके बाद देखिए जैसे अपन 12 स्टेप में बताया, कहीं कहीं 16 स्टेप का भी रहता है। ये देखो 9000 स्पिंडल स्पीड इनिशियली चालू किए, पूरे बढ़िया से समझिए आप लोग, 9500 हुआ तो 50 मीटर जैसे धागा बन जाएगा, जैसे ये बॉबिन है तो 50 मीटर धागा बन गया तो 9500 अपराप चालू हो जाएगा। ऐसे ही 10000 मीटर कब होगा, 100 मीटर धागा जैसे भर जाएगा 10000 हो जाएगा। ऐसे ही 10500 150 मीटर में 11200 11500 300, ऐसे लेंथ मतलब स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा हुआ और लेंथ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा हुआ, फुल लेंथ इधर 2000 आ गया, और ये लास्ट में ये जो स्पीड है ये सबसे ज़्यादा वाला स्पीड, ये क्या आपके 30% से ये 70-80% तक स्पीड, ये वाला ये हाई स्पीड स्पीड माना जाता है, इसी से एवरेज बढ़ता है। तो ये अपन स्पीड पैटर्न देख लिया, उसके बाद देखिए एवरेज जब निकालते हैं वो तो डिस्प्ले में आएगा, उसके पहले अगर आप जानना चाहते हो ऐसे करना, देखो जैसे 9000 में कितना तक चलेगा 50 मीटर तक, तो 9000 × 50 ये हो गया 450000। ऐसे ही हर स्टेप का जितना लेंथ का उसका है, जैसे 9500 में 50 मीटर है, 50 गुणा क्या 475000 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो 11000 में यहाँ 100 का है, मतलब 11200 से चालू होगा 300 मीटर तक, तो 11000 × 100 1100000। ऐसे सारी स्टेप का हम गुणा किए हुए, उसके बाद ये जो गुणा किए हुए इसको अपन टोटल मारे 26350, फिर इसमें 3 शून्य लगेगा, इतना 1000 हो गया ये वाला। इसमें फिर एवरेज लेंथ जो है बोले 2000 कॉप का लेंथ, इसमें इसको भाग करना, ये आ गया 13175, तो इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 13175। ये होता है एक्यूरेट कैलकुलेशन है।
आप कोई भी काउंट है, जैसे 18 काउंट लिया, 30 काउंट ले सकते हो, 40 काउंट ले सकते हो, आपको दो चीज़ चाहिए, काउंट क्या है और ग्राम्स कितना आता है कंटेंट, उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और स्पीड पैटर्न निकालना कोई ये नहीं है, और ये स्पीड पैटर्न जो होता है ये होता है कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। ये जो 13175 है कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड, और एक्चुअल एवरेज स्पीड एक अलग आता है। एक्चुअल एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे समझ लो आपके 2000 लेंथ तक भरना था, अपना 1700 में डॉप गिरा दिया कोई या 1800 में गिरा दिया, तो उसमें क्या होता है, 1700-1800 अगर डॉप गिरा दिया तो अपना जो ये जो मैक्सिमम स्पीड वाला स्टेप है ना, ये अचीव नहीं हुआ, लेकिन बॉटम का पूरी स्टेप सब अचीव हुआ। तो ये वाला जब अचीव नहीं होगा तो एवरेज स्पीड अपना कम हो जाएगा, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड से एक्चुअल एवरेज स्पीड कम हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना, लाइट डब गिराना नहीं कभी, लाइट डब गिराएंगे या रैचेट हल्का करेंगे जल्दी डब आ जाएगा, उसमें अपना कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, पाइप प्रोडक्शन कम आएगा। ये एवरेज स्पीड का मेरे को विश्वास है आप लोग की समझ में आ गया होगा, इतना मैं रखता हूँ, थैंक यू।